नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वर्धात आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महिला स्टार्टअपचे केलो शुभारंभ. खेरीज आभासी माध्यमातल्यान अमरावतीच्या पीएम मित्र पार्काचो बसयलो बुनयादी फातर. साकवाळ पठारावेल्या भूतानी प्रकल्पाच्या कागदपत्रांत काय गोंधळ दिसून आयल्या. प्रकल्प खर्चो रद्द. गोव्यातल्या मेगा प्रकल्पांची माहिती मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयात कळप गरजेचे मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. कृषी सुधारणेक लागून गावातल्या उद्योगांचो जाता विस्तार. पीएम किसान येवजणे अंतर्गत शेतकामत्यांक मेळटा आर्थिक मजत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगले. दिवचलच्या पिराची कोंड हांगा उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण दिवचल नगरपालिकेन मामलेदार प्रवीण गावस हांच्या उपस्थितीन झोपडी वजाघरांक मोडपाक केली सुरवात. आज चेन्नईत भारत आणि बांगलादेश मजगती सुरू आशिल्ल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतान आपल्या पहिल्या खेळात काढल्यो 376 धावंड्यो. बांगलादेशाचा पहिलो खेळ सोपलो 149 धावंड्याचेर. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज विश्वकर्मा येवजणेक एक वर्स पुराय जाल्ल्या बद्दल महाराष्ट्रातल्या वर्धा हांगा आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळीक महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुखेलमंत्री अजित पवार आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले. या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महिला स्टार्टअपचे शुभारंभ केलो. खेरीज अमरावतीच्या पीएम मित्र पार्काचो बुनयादी फातर बसयलो. तशेंच स्मारक डाक तिकेट जारी केले. ह्या कार्यावळीन 18 लाभार्थ्यांक प्रमाणपत्र आणि रीण दिले. अमरावतीतल्या टेक्स्टाईल उद्योगाक आता खूप भरारी मेळटली आणि तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध जातल्यो. टेक्स्टाईल उद्योग संसारान उंचेल्या पांवड्यार व्हरपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. आज दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था. ऐसे में विश्वकर्मा योजना के एक साल पूर्ण होने का ये उत्सव विनोबा जी की ये साधना स्थली, महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि, वर्धा की ये धरती, ये उपलब्धि और प्रेरणा का ऐसा संगम है जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी एसटीएससी आणि ओबीसी समाजाक चिड्डून दवरिले. तांकां वयर सरपाक दिले ना. भारत सरकारान विश्वकर्मा समाजातल्या लोकांक सन्मान दिवपाचो प्रयत्न केला आणि तांच्या कामाक एमएसएमईचो दर्जो दिला. एससी एसटी ओबीसी को जान बुझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया. हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है. पिछले एक साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज छत्तीसगडच्या नक्षलवादी पिडीत लोकांकडेन संवाद साधलो. 2026 मेरेन छत्तीसगडांतल्या नक्षलवाद पुराय तरेन नष्ट करपाचो केंद्र सरकाराचो यत्न आसतलो. छत्तीसगडांतल्या लोकां खातीर केंद्र सरकार एक नवी येवजण चालीक लायतली आणि तांच्या उदरगती खातीर खर प्रयत्न करतले असे ह्या वेळार उलयतना घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगले. नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को
दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तापित करेंगे। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाओं को संरेखित करते हुए आपके समग्र विकास का, आपके परिवार के समग्र विकास का एक बहुत अच्छा योजना लेकर हम एक 3 महीने में ही आपके साथ आएंगे, जिससे आपका जीवन बड़ा सरलता के साथ जा सके। और अपील भी करता हूं सारे नक्सल भाइयों को कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं, आप भी आइए, आपका स्वागत है। घर मंत्री अमित शाह हांणी आयज झारखंडच्या भेटेन परिवर्तन यात्रेन वांटो घेतलो। झारखंड हो प्रदेश आदिवासी समाजाचो आसा। केंद्र सरकार झारखंडाचे रूप बदलपाच्या यत्नान आसा आणि हे ध्येय साध्य जातले जाल्यार जेएमए सरकाराक हांगच्यान हालोवपाची गरज आसा, असे ह्या वेळार उलयताना घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगले। परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना, जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। हमारे किसानों का आय बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी की समर्थन करने वाली सरकार लाना है। और मेरे आदिवासी युवा, मेरे युवा भाई बहन, यहां से देश भर में रोजगारी के लिए जाते हैं, इसकी जगह रोजगारी ये संथाल परगना में आए ऐसी सरकार लानी है। भाइयों बहनों, हम मुख्यमंत्री सिर्फ बदलना नहीं चाहते, हम झारखंड को बदलना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां अमेरिकेच्या 3 दिसांच्या भेटेर वचपाक भायर सरतले। ते युनायटेड नेशनांक समीट ऑफ द फ्युचर ह्या कार्यावळीक संबोधित करतले। अमेरिकेक शिकपी 4 भारतीय विद्यार्थ्यांनी प्रधानमंत्री मोदी हांच्या अमेरिकेच्या भेटेविशी आपले मत उक्तायले। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं मंडे को, तो पहले तो वो विकसित भारत का सपना लेकर आ रहे हैं, तो सस्टेनेबल ग्रोथ सारे पहलू जो है विकसित भारत के, वही एक ग्लोबल लेवल पर एड्रेस हो रहा है थ्रू ये समिट। और यही आशा करते हैं कि ये समिट से जो चीज़ें अच्छी हो रही है, वही चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी देश में करना चाहते हैं, वही चीज़ें ये ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट। क्योंकि भारत में लोग बहुत होशियार हैं, हर तरीके के इंजीनियरिंग्स हैं वहाँ पे, टेक्नोलॉजी है। यूएस में इधर समिट के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो होपफुली बाकी सारे लीडर्स के सपोर्ट से भारत को और एक अलग लेवल पे पूरे देश को क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ एक दूसरी दिशा मिलेगी, इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलेगा। मेरा ये है कि समिट ऑफ द फ्यूचर है जहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोलैबोरेशन दिखेगा हमको हर देशों में। एंड यही हमको फोकस, यहीं पे अपना जो फोकस ऑफ क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजीज है, यहीं पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा अपना हमारा बात करना। सो दैट्स व्हाई आई फील ये इसमें हमको समिट में सब बात होना चाहिए। भारत जिस तरीके से हमारे पास जितने इंटेलिजेंट लोग हैं वहाँ पे, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेस है, इसलिए इवन यूएस में और जहाँ भी हम बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण हाथ हम भारतीयों का रहा है। एंड आई थिंक मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत ऑलरेडी बहुत चीज़ों में आगे बढ़ चुके हैं। अब देखा जाए जैसे कि एआई में टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने लगा है, जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो भारत में लाई जा रही है। एंड ऐसा पूरा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जिसमें हम आगे बढ़ सके।
कृषी सुधारणेक लागून गावातल्या उद्योगांचो विस्तार जाता. सरकार प्राकृतिक शेतातल्या उत्पादनाच्या सप्लाय चेनीक सशक्त करपाचेर भर दिता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी रांची हांगा आयोजित ICAR राष्ट्रीय कृषी उच्चतर प्रसंस्करण संस्थानाच्या कार्यावळीन संबोधित करतना सांगले. PM किसान येवजणे अंतर्गत शेतकामत्यांक आर्थिक मजत मेळटा अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए कई कदम उठाया गया है. गांव में कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है. किसान उत्पादन संघ FPO और पेक्स जैसे सहकारी संगठनों का प्रसार किया जा रहा है. सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर लिया है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रहे हैं. PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अपने छोटे खर्च पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. PM किसान समुदाय केंद्रों के माध्यम से किसानों की विभिन्न जरूरतों को एक ही जगह पूरा किया जा रहा है. आता घेऊया एक लहानसो विसव. सर आज थोड़ा जल्दी निकलना था. 2 बजे क्या हुआ राकेश? सर वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए. हाँ भाई शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी. अरे नहीं नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को. सच्चे मर्द जो है. हाँ मर्द है, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने. आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है. वाह, सीखो इससे कुछ. देश उम्मीद से है करो पोषणम. पिता हो तो राकेश जैसा. इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना माँ और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. साकवाळ पठाराचेर येवपी भुतानी निवासी प्रकल्पा संबंधा उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकारांक परिशद घेतली. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले आपणे शार आणि नगर नियोजन खात्याक ह्या संबंधित प्रकल्पाची सगळी कागदपत्रां तपासून पळोवपाक सांगला आणि ह्या कागदपत्रांत जर कसलोय गोंधळ दिसून आयलो जाल्यार ह्या प्रकल्पांची मान्यताय काढून घेवची. तशेंच हाच्या मुखार जे मेगा प्रकल्प गोंयांत येतले तांची म्हायती मुखेलमंत्र्यांच्या कार्यालयाक दिवप गरजेचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या पत्रकार परिशदेन सांगले. ऑलरेडी हांवें TCP मिनिस्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला की अशा पद्दतीचे सपोज हाजी जर परमिशन दिल्ली ही जर एक्चुअली ताका दिल्ली परमिशन दिल्ली म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकरणांत कन्वर्जन आसतले किंवा खंयची एप्रुवल आसतली किंवा मेगा प्रोजेक्ट दिल्ले EC आसतली हे सगळे जर सारखे नसत जाल्यार ते रिवॉक कर, प्रोजेक्ट बंद जाल्यार जाता. कारण स्टेटींतल्या लोकांक त्रास करून अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट आमकां नाका. आनी प्रोजेक्टाक आनी हेन्स फोर्थ एक स्टेप फुडें वचून म्हाजें तर सरळ म्हणणें आसा, बींग अ स्टेरींग कमिटी चेअरमॅन, हांव खूब तेंप जालो स्टेरींग कमिटीची मिटींग जावंक ना. आय एम सजेस्टींग म्हणजे स्टेरींग कमिटीन तांकां आनी TCP हांव सजेस्टनूय करतलो की अशा पद्दतीचे मेगा प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही हाजी एप्रुवल्स ही CMA पर्यंत येवपाक जाय. कारण ती इंटर डिपार्टमेंटल आसता, ताका इन फ्युचर लागपी सिवरेज आसतले, वॉटर सप्लाय आसतली, अशे वेगवेगळे गजाली इंटर डिपार्टमेंटल आसता. त्या खातीर ते CMA पर्यंत येवपाची गरज आसा. त्या खातीर स्टेरींग कमिटीन हांव सजेस्टूय करता की तेंचे हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीची सगळी CM एप्रुवल पर्यंत येवची. भारतीय जनता पक्षाच्या कोर कमिटीच्या बसकेन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्वच्छता ही सेवा या अभियानाची सुरवात केली. हे अभियान 2 ऑक्टोबर मेरेन चलतले. त्या संबंधान पंचायतींनी, नगरपालिकेनी आणि साबार भाजप कार्यकर्त्यांनी या अभियानात वाटो घेवचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी कळीत केले. खेरीज दर एका मंत्र्याक बुधवारा मंत्रिमंडळ बसका जावचे पयली आपल्या कार्यालयांत
हजर राहून आपल्या लोकांकडेन संवाद साधचो असो आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला. भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर आनी पार्टी हजी दोगांची मिटींग आशिल्ली. मिटींग दोन गजाली मेन म्हणजे स्वच्छता ही सेवा हो कार्यक्रम जो 15-17 सप्टेंबराच्यान सुरवात जाला 2 ऑक्टोबरपर्यंत चलतले. सगळ्या आमदारांनी आणि सगळ्या मंत्र्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटांनी पंचायत या सगळ्या लेवलाचेर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम खूप मोठ्या प्रमाणात करचो हाज्या खातीर आशिल्ली. आणि दुसरे आम्ही पळता की एकंदर सगळ्यांच्या मध्ये कोऑर्डिनेशन पार्टी आणि मंत्री आणि आमदार यांच्या मध्ये कोऑर्डिनेशन करता असताना एक दोन तीन गजाली डिसाईड केल्या की सगळ्या पब्लिकांक मेळपा खातीर सगळे मंत्री एव्हरी बुधवार सकाळी 10-12 कॅबिनेट सुरू जावच्या पयली कंपल्सरी आसचे. सगळ्यांची डिमांड म्हणजे आमदारांक आणि पब्लिकांकूय थंय मेळटले. ताज्या व्यतिरिक्त एव्हरी मंगळार आमचो एक कोण तरी मंत्री हो पार्टी कार्यालयांत बसतलो जेणे करून पार्टी कार्यालयांत भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकूय तो मेळपाक शकतलो. अशा पद्धतीत कोऑर्डिनेशनांतल्यान म्हणजे पार्टी बरोबर सगळ्यांनी मेळून काम करचें हेच्या खातीर जायची मिटींग. आज दिवचलच्या पिराचीकोंड हांगा उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण दिवचल नगरपालिकेन मामलेदार प्रवीण गावस हांच्या उपस्थितीन झोपडी बजाघरांक मोडपाक सुरवात केली. 10 कुटुंबां ह्या एका खासगी जमनीर बेकायदेशीर रित्या घरा बांधून रावताली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण आयज सकाळी ही घरां मोडपाक सुरवात केली. हाच्या पयली ह्या जमनीच्या मालकिणीन हांगा राबितो करपी लोकांक कायदेशी नोटीस दिल्ली. तर तुका खबर ना, तुझ्या ॲडवोकेटाक खबर आसा, कळ्ळें न्ही? आता जेन्ना तो सांगता तुजो स्टे ना म्हणून त्याच्या तोंडातल्यान ऐकलें मगे तुवें? हांवें ताका टायम दिलो काय ना? हे जाग्याच्या ओनर हांव. इतले वर्सां इल्लिगल हे सगळे घाटयार रावता. आमकां तेंच्यांनी खूप सतयल्या. डेमोलिशन करपाक 2010 येयल्ले. हेंच्यांनी केशी फुडें घालून 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 आमचे जिवाचे हाल केले. आमचे भाव भयणी सगळे भाड्याक रावता. आमच्या जाग्यान ते रावपाक आमकां कशे दिनासले. जागा हांगासर 2000 स्क्वेअर मिटर हा. जागा 2000 स्क्वेअर मिटर हा. ते जाग्यान तेंच्यांनी सगळे हाडून दवरलेले. आमचे 2012 सेटलमेंट झाले तेन्नासून तेंकां सांगलेले. जमातीन आमकां कितें सांगलेले तेंच्यांनी हे काडपाक, हे झोपडपट्टी काडपाक आमी तुमकां हेल्प करता म्हणून. तेंच्यांनी आमकां हेल्प करूंक ना. आता आमी तेंच्यांनी केशी आमचेर घातले आणि आमी ते झगडून झगडून आता मेरेन सगळे ऑर्डर पास करून आता डेमोलिशनाक येयला. ऑर्डर म्युनिसिपालिटीन दिला आणि कोर्टान सुद्धा दिले डिसमिस. हाय कोर्टाची बी आसा. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत फाल्यां सकाळी 10 वरांचेर आभासी माध्यमांतल्यान पंचायती आणि नगरपालिकांक स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियानाच्या संबंधान मार्गदर्शन करतले अशी माहिती पंचायतीच्यो संचालिका सिद्धी हळणकर हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेन दिली. पंचायत वाठारातल्या 407 नगरपालिका वाठारातले 100 असे ब्लॅक स्पॉट्स 2 ऑक्टोबर मेरेन स्वच्छ जातले असे तांणी मुखार सांगले. We all know that our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji has launched the Swachhata Hi Seva on 17th of September. It so happens that it is also the birthday of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Now what is this Swachhata Hi Seva? Swachhata Hi Seva is a campaign which actually began in the year 2021. Now that was the first time our Honorable Prime Minister had launched this campaign. So every year we have been celebrating this particular concept. What the main highlights of this Swachhata Hi Seva is that all the gram panchayats and municipalities have been told to identify CTUs. Now what are these CTUs? They are cleanliness target units. So there is one portal, Swachhata Hi Seva, where they are supposed to click photographs of these particular CTUs. They are nothing but black spots or grey spots of garbage. So once the photographs are taken, they are supposed to upload it on the portal. And before 2nd October 2024, they are supposed to clean up these particular sites. Ata ghevo ek lahanso viso. Thank you.
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। पहले बुआ नजर उतारेगी। लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना। बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना। कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता। बाप है इसीलिए जानते, जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है, बीमारी से लड़ने का ताकत आता है। देश उम्मीद से है करो। अरे अम्मा अस्पी दो, आ गई बुआ। पिता हो तो हरी जैसा, इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है। विसा उपरांत योगकार पोळया मुखावेले खबरो। आज चेन्नईन भारत आणि बांगलादेश मजगती सुरू आशिल्ल्या पहिल्या कसोटी सामन्यान भारतान आपल्या पहिल्या खेळान 376 धावड्यो काढल्यो। बांगलादेश पंगडाची सुरुवात खूपच वाईट झाली आणि त्यांचा पहिलो खेळ 149 धावड्यांचे सोपलो। जसप्रीत बुमरा हाणी 4 गडी बाद केले, ताका लागून भारताक पहिल्या खेळान 227 धावड्यांची आघाडी मिळी। आता पळया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे आयचे चडान चड तापमान 31.4°C जाल्या उणे तापमान 26.5°C इतले नोंद जाला। खबरो सोपोवच्या आधी परतून एक फावट पळया मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी आज वर्धान आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर महिला स्पोर्टाचे केलो शुभारंभ। साखवाळ पठारावेला भूतानी प्रकल्पाच्या कागदपत्रांकाय गोंधळ दिसून आयला, प्रकल्प करचो रद्द। गोयातल्या मेगा प्रकल्पांची माहिती मुखेलमंत्री कार्यालयाक कळप गरजेचे, मुखेलमंत्र्यांनी दिला आदेश। कृषी सुधारणेक लागून गावातल्या उद्योगांचा जाता विस्तार, पीएम किसान योजने अंतर्गत शेतकामत्यांक मेळटा आर्थिक मजत, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणी सांगले। दिवचलच्या पिराची कोंड हांगा उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण दिवचल नगरपालिकेन मामलेदार प्रवीण गावस हांच्या उपस्थितीन झोपडी वजाघरांक मोडपाक केली सुरुवात। आज चेन्नईत भारत आणि बांगलादेश मजगती सुरू आशिल्ल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतान आपल्या पहिल्या खेळान काढल्यो 376 धावड्यो। बांगलादेशाचो पहिलो खेळ सोपलो 149 धावड्यांचे। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DDNewsPanji, फेसबूक पेज DDNewsPanji आणि युट्यूब चॅनल DDNewsGoaचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्रिडीश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।